नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं नॉलेज साथी। दोस्तों, हमारे इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं नर्सेस और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी। दोस्तों, इस समय में कहां कहां और कितनी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं, इस सब की जानकारी हम साझा करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए जानते हैं इन जॉब्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जो जॉब्स हैं वो हैं सेंट्रल रेलवे की ओर से। दोस्तों, सेंट्रल रेलवे की ओर से पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहेंगी। दोस्तों, बात करें इन जॉब्स की तो दोस्तों नर्सेस के लिए यहां पर 30 वैकेंसीज निकाली गई हैं। वहीं बात करें अदर स्टाफ की दोस्तों, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन, तो यहां पर दोस्तों फार्मासिस्ट के लिए 4 वैकेंसीज, लैब टेक्नीशियन के लिए 9 और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहां पर 9 वैकेंसीज रखी गई हैं। दोस्तों, बात करें सैलरी की दोस्तों, यहां पर तो नर्सेस के लिए 44,000 सैलरी यहां पर रखा गया है। फार्मा के लिए यानी फार्मासिस्ट के लिए यहां पर 29,000, लैब टेक्नीशियन के लिए 35,000 और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहां पर 29,000 सैलरी रखा गया है। अप्लाई आप किस तरह से कर सकते हैं? दोस्तों, इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाना होगा, जहां पर आपको अपनी जॉब के अकॉर्डिंग लिंक को सेलेक्ट करना होगा और वहां पर जाकर आप अपने जॉब के लिए अपनी प्रोफाइल को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी जॉब्स की जो कि हैं गवर्नमेंट ऑफ गोवा की ओर से। दोस्तों, गोवा मेडिकल कॉलेज बॉम्बोलिन द्वारा यहाँ पर अलग अलग पोस्ट को निकाला गया है जो कि नर्सिंग प्रोफेशनल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नर्सेस की। तो दोस्तों, नर्सेस के लिए यहां पर कुल वैकेंसीज हैं 377, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में दोस्तों 165 वैकेंसीज को रखा गया है। एसटी के लिए 45, एससी के लिए 7, ओबीसी के लिए 101, ईडब्ल्यूएस के लिए 37, पीडब्ल्यूडी के लिए 11, एक्स सर्विसमैन के लिए यहां पर 11 वैकेंसीज को रखा गया है। दोस्तों, वैकेंसीज की क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से नर्सिंग का सर्टिफिकेट या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए दोस्तों आपका सैलरी रहेगा 35,000। साथ ही बात करें एएनएम की दोस्तों, तो यहां पर एएनएम के लिए भी कुछ वैकेंसीज निकाले गए हैं जो कि हैं 3। एएनएम की वैकेंसीज के लिए दोस्तों आपने किसी भी रिनाउंड या नोन इंस्टीट्यूशन से आपने एएनएम किया हो, साथ ही आपके पास एएनएम की ट्रेनिंग हो। दोस्तों, वही बात करें अदर पैरामेडिकल स्टाफ की, तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो कि हैं 8 वैकेंसीज। दोस्तों, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अलावा 6 वैकेंसीज हैं यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में और 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर ओबीसी के लिए। दोस्तों, इन वैकेंसीज के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा। साथ ही दोस्तों, बात करें मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क की, तो दोस्तों यहां पर 13 वैकेंसीज हैं मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क की, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में दोस्तों 8 सीट्स को रखा गया है। एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर 1 वैकेंसी को रखा गया है। रिक्वायरमेंट्स की बात करें दोस्तों यहां पर, तो आपको एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, साथ ही इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। दोस्तों, इन सभी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट www.gmc.goa.government.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कुछ वैकेंसीज की जो कि हैं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची की ओर से। दोस्तों, यहां पर नर्सिंग स्टाफ के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 370 जो कि आप 30 अप्रैल 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसीज की बात करें तो 370 वैकेंसीज यहां पर हैं दोस्तों, जिसमें से 141 वैकेंसीज हैं जनरल कोटे के लिए, 88 वैकेंसीज हैं एसटी के लिए, 57 एससी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की दोस्तों अगर हम बात करें तो एनेक्चर 1 में यहां पर 23 वैकेंसीज, एनेक्चर 3 में 24 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में यहां पर 37 वैकेंसीज रखी गई हैं। यहां पर दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 15 सीट्स, स्पोर्ट्स कोटा में 8, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 सीट रखी गई हैं। क्वालिफिकेशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपका होना आवश्यक है, साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस किसी भी हॉस्पिटल में होना चाहिए।
दोस्तों अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट जो कि है www.rimsjobs.com पर जाकर अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ जॉब्स जो हम लेकर आए हैं आपके लिए। यदि आप चाहते हैं ऐसे ही और जॉब्स की जानकारी जो कि आपको हेल्पफुल हो सकते हैं अपने करियर को बढ़ाने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों पास बने बेल आइकन के बटन को दबाइए जिससे कि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आने वाले समय में मिलता रहे। तब तक के लिए बने रहिए नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।